एक बात बताइए, ये सारे औरतों के बीच में ये मर्द नाच रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं कि औरतें तो घर में काम करती ही हैं, है ना, यहाँ पे मस्ती कर ले हैं। बढ़िया है, ये आपके लिए डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ओए ओए बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं रविश कुमार, हम मौजूद हैं हरियाणा के जींद में। यूपी बिहार घूमते घूमते प्रिया देखिए, हरियाणा की रैली में आते ही गाड़ियों का प्रोफाइल कितना बदल जाता है। ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आए हैं वो ऐसी बड़ी गाड़ियों से भर भर कर आए हैं। इसीलिए एक पार्किंग, जहां गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी इनके कार्यकर्ताओं ने अलग व्यवस्था की है। और देखिए तो ज़्यादातर स्कॉर्पियो, इनोवा, फॉर्चुनर और बाकी कई छोटी गाड़ियां भी हैं इसमें, लेकिन टाटा सफारी, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रैक्टर काफ़ी भरे हुए हैं। आपका राज्य काफ़ी अमीर प्रतीत होता है, नहीं? हाँ, गाड़ियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। हाँ। बाकी आप देखिए, रैली भी पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह ही हो गया है कि आप पूरा इसको मैनेज कर रहे हैं। कितना बड़ा है, वैसे जब हम यूपी में और बिहार में जहाँ पर भी गए, वहाँ पर हमें इतने बड़े लेवल पे रैली देखने को तो नहीं मिली थी। हाँ। आप देखिए तो गाड़ियों ही नहीं, नरेंद्र मोदी की रैली में भी इतनी गाड़ियाँ कम दिखी थी यूपी और खासकर यूपी में जब हम लोग घूम रहे थे तो, लेकिन यहाँ सारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो क्या राजनीति से समृद्ध हुए हैं या ज्यादातर कार्यकर्ता वही हैं जो अन्य कारणों से भी समृद्ध हैं? जो समृद्ध हैं वो जानबूझकर राजनीति में आ जाते, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास पैसा है और वो आराम से राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं पैसे के बल पे। और ज्यादातर यहाँ पर जमीन काफी हुई है, उनका जमीन ज्यादा बेची गई है, तो उस वजह से लोग काफी समृद्ध हो गए हैं। और ये हरियाणा जो है वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है, नहीं? जी बिल्कुल। और ग्रोथ के मामले में भी, हाँ, जीडीपी में भी काफी आगे है इस समय। तो एक आप भी देखिए कि किस तरह से एक रैली बनती है, किस तरह से एक भीड़ उस रैली में आती है और आने वाले किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो साधन है इसको भी बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि अचानक इन्हीं साधनों से के जरिए बनाई गई रैली से जब एक नेता उभरता है तो मंच पर जाकर सिर्फ और सिर्फ वो गरीबों की बात करने लगता है। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि उसकी जो ताकत है वो आ कहाँ से रही है, उसके अपने संसाधन क्या है। आइए एक और चीज़ है, देखिए तो हर गाड़ी में लोगों ने अपना लेबल लगा रखा है ना, हल्का खरखौदा। हल्का मतलब यहाँ विधानसभा क्षेत्र को कहते हैं। जी, हल्का। अच्छा, ये कैमरा देखते हैं लोग अब हाथ उठा देते हैं। हाँ ठीक है, गिर मत जाइएगा। ये शायद इसीलिए होगा कि लोग अपनी अपनी जो लेकर आए हैं अपने लोगों को, अपने अपने हल्के से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो पूरा दिखाने के लिए कि हमारे कितने लोग आए हैं। पानी नहीं है लेकिन लिखा है इनेलो सरकार में गरीबों को पीने का पानी मुफ्त दिया जाएगा। पानी कहाँ आया? जी नमस्कार, ये क्या है, रबर बैंड है? ये फ्रेंडशिप बैंड वाला है क्या? है ये खरीदे हो कि मिला है? मिला है, मिला है। इवेंट मैनेजमेंट INLD इंडियन नेशनल लोकदल, बढ़िया। पूरा एक जो माहौल है, जो रैली का जो सेटअप है वो अन्य जगहों की रैलियों से काफ़ी अलग है। अब देख लीजिए यहाँ बिकने वाली चीज़ें सब बदलने के बाद भी है, लेकिन देहाती टच है ना, है? लोग वही पगड़ी में आए हैं और ये गन्ने का जूस ट्रैक्टर लगा दिया है ना। इसकी भी एक अपनी टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गई है। अगर आप हिंदुस्तान में अध्ययन करेंगे, यूपी बिहार पंजाब इन सब जगहों में जहाँ गन्ना होता है, तो गन्ने के जूस की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बदल गई है, जूस निकालने की। अब वो सिर्फ हाथ का ही मामला नहीं रहा। और अंदर हम आपको ले चलेंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी एक जो रैली है वो बन रही है अंदर, और किस प्रकार का इंतज़ाम अभी किया गया है। राजनीति में भाषण सुनने से ज़्यादा इस पर भी ध्यान दीजिए, संसाधन और इवेंट मैनेजमेंट है। जी, इवेंट मैनेजमेंट। ओहो, यहाँ देखिए क्या क्या मिलने वाला है। ये वो सारी चीजें हैं,
आप हरियाणा की है ना जी, तो आपको एक मुफ्त स्कूटी मिलेगी। लड़कियों को मेरी उच्च शिक्षा हो चुकी है। अच्छा नहीं, यहाँ लिखा है लड़कियों को उच्च शिक्षा, तो आप फिर से कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। एक कहीं पे साइकिल मिल रही है, अब देखो, और 8,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, 8,000 फिर नौकरी करने की जरूरत है। 8,000 बेरोजगारी, 50% आरक्षण है हरियाणा वासियों को, यह अलग ही डिबेट है। मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा, ये सब मिलता है, मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन। बुढ़ापा पेंशन 1200 है, 1000 रुपए थी, 1200 हो जाएगी अब। ओ, हुड्डा ने 1000 रुपए दी तो आपने 1200 कर दिया। ये शुरुआत ही नहीं करी थी ना, नहीं तो कानून भी नहीं था। अच्छा अच्छा, और लाखों गरीबों को मुफ्त पक्के मकान, ये केंद्र सरकार भी कहती है, तमाम सरकारें भी कहती हैं। अच्छा है, ताऊ इसमें से क्या चाहिए आपको, बोलिए जो लिखा हुआ है। पेंशन चाहिए कि 8,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता चाहिए, या 25 किलो मुफ्त अनाज चाहिए, या 50% क्या चाहिए था? क्या चाहिए? राज्य चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, मैं जनता से पूछ रहा था क्या चाहिए, कार्यकर्ता बोला राज चाहिए, ये सही जवाब है। राज चाहिए, अपने तो राज चाहिए, पेंशन वेंशन नहीं चाहिए। जो मुख्यमंत्री आ जाए हरियाणा में, वो तो सारी चीजें अपने आप कर देगा, वो तो चार पीढ़ी का जुगाड़ कर देगा, चार पीढ़ी का जुगाड़ कर देगा। आपका या लोगों का? लोगों का, सबका जी, है कि नहीं? ये क्या है, ये आइसक्रीम भी आप सिलबट्टे के जैसा खाते हैं आप लोग, हैं इतना बड़ा आइसक्रीम क्या है? हाँ, ठंडा रखने के लिए, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। इतनी बड़ी कितने की आइसक्रीम है ये? पता नहीं क्या की थी, गया 10 रुपए की, 10 रुपए की, कम से कम 10 की, कम से कम 5 कौन देगा, 5 कौन देगा भाई? इसमें नारियल भी है? नहीं, बढ़िया। हरियाणा में भी सेल्फी शुरू हो गया। जिंदगी के आग में तपने का काम कर दे, लोगों की समस्याओं का समाधान कर दे अपना। काफी आपके राजनीति में अमीर लोग हैं, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, है ना? जॉइंट पंजाब का ट्रैक्टर तो सभी के पास है, सभी के पास तो नहीं है। हरियाणा में काफी समृद्धि है? नहीं, समृद्धि ज्यादा रोहतक में है, ज्यादा रोहतक में। इतनी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाखों की कैसे आ गई? काफी बदल गई है राजनीतिक पार्टी भी, काफी बदला है। नहीं, इस पे बोल क्यों नहीं रहे? कौन सा बदलाव? आईटी का सवाल तो करने से बदलाव तो आया, पूरे देश में ही आया है। सबको मेन स्ट्रीम में लेकर के आ करके चौधरी देवीलाल जी ने कितना लंबा संघर्ष किया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मेरे अपने दोस्त से, विचार से, संस्कार से, उनमें कितने काम चौटाला साहब ने किए कोई अंदाजा नहीं है। अब इस बार भी ये लिम्का के बोतल में दिल खुश है, कुल्फी। ये देखिए कि इस रैली में भी किस तरह से लोग जो हैं, हमारे दुकानदार भी कम वैज्ञानिकों की तरह शोध नहीं करते हैं। इसरो के वैज्ञानिक अगर जुगाड़ टेक्नोलॉजी से दुनिया का सबसे सस्ता मंगलयान भेज सकते हैं, तो इन लोगों ने देखिए बैटरी वगैरह लगा के, बैटरी से इसको ठंडा करते हैं। नहीं, हाँ, इसको ठंडा कैसे करते हैं? इसको ठंडा कैसे करते हैं? बर्फ है या बैटरी से आप इसको चला रहे हैं? इसको लाइट से ठंडा होता है। लाइट से ठंडा होता है, बैटरी से कर रहे हैं? बैटरी तो इसका चलाता है मशीन को। अच्छा, तो कंप्रेसर इसके अंदर। तो ये आप रैली के लिए बनाए हैं या हर जगह लेके जाते हैं? नहीं, 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 रैली के लिए। रैली के लिए बनाया है, आपकी अपनी दुकान थी, दुकान से उसको उठा के यहाँ ले आए बिजनेस करने के लिए। अच्छा, ये भी देख लीजिए क्या टेक्नोलॉजी है अपना देसी। और इस परिवार की नींव चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के रखी। गर्मी इतनी भी नहीं है, लेकिन है काफी गर्मी यहाँ पर, और लोगों के पीने के लिए जो पानी है उसकी व्यवस्था भी रैलियों के आयोजन का एक बड़ा हिस्सा है। और इसलिए भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि देखें कि जहाँ हजारों लोग बुलाए जाते हैं, ये तो लाखों में बोलते हैं, उनके लिए कितना कुछ इंतजाम करना होता है। एक रैली का इंतजाम इतना आसान नहीं है, हर किसी को पानी मिल रहा है हल्के के अनुसार। ये विधानसभा वाइज पानी बंट रहा है या जिसको मर्जी वो उठा के ले जा रहा है? अच्छा, एक चीज प्रिया ध्यान रखिएगा, आप जानते भी होंगे, आपके राज्य का मामला है कि चौटाला ने, मैंने अभी जो हम सोचते हैं कि रैलियों का स्तर काफ़ी बदल गया, उससे पहले ही रैलियों को एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में, और बहुत पहले जब शायद कम लोगों ने या किसी ने नहीं जिमी जीप कैमरे का इस्तेमाल किया था, तब चौटाला किया करते थे। और उस तरह से उसको ओम प्रकाश चौटाला, उसको स्क्रीन पर दिखाना, वीडियो में दिखाना, खूब सारा पानी बांटना, बड़ा बाकायदा उसका एक अरेंजमेंट करते थे। उससे आपको पता चल रहा होगा कि आज ये
देवीलाल की जो 100वीं जयंती है उसमें क्या माहौल है। आइए आइए जरा दिखाते हैं आपको प्रेस के लिए भी क्या है। नमस्कार। प्रेस के लिए भी काफी अच्छा मंच बना हुआ है, यहाँ बढ़िया मंच बना है। देखिए हाँ बहुत सुंदर सजाया। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और जींद में आज के दिन चौधरी देवीलाल की ये 100वीं जयंती है और शताब्दी वर्ष समारोह ये पार्टी मना रही है। 25 सितंबर 1914 इनका जन्मदिन है देवीलाल का। 1914 का साल जो है वो विश्व युद्ध के 100 साल होने का है और देवीलाल के भी 100 साल होने का है। हालांकि दोनों में कोई तुलना नहीं है युद्ध का, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि हरियाणा इस बार अपनी बदलाव की चाहत को या उसकी निरंतरता को किस तरह से बरकरार रखे हुए है। आने वाली जो रैलियां हैं उसमें जो लोग आ रहे हैं वो किन आकांक्षाओं के साथ, किन उत्तेजनाओं के साथ और ऊर्जा के साथ आ रहे हैं और एक बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए रैलियों का आयोजन किस तरह से भव्य बनाया गया है। पहले ही आपको बता दूं कि हरियाणा की राजनीति में रैलियों को सुनियोजित तरीके से करने का रिवाज चौटाला परिवार ने ही किया है। करीब 10 साल 12 साल पहले उन्होंने रैलियों में एक बिल्कुल स्टेडियम की तरह शूट करना आरंभ किया था और ये जो जिमी जिप कैमरा है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया था हरियाणा में। और तब मुझे बहुत ठीक ठीक याद है कि ऐसे ही रोज़ा इफ्तार के दिन चौटाला ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मेवात के आसपास के कहीं मैदान में वो रोज़ा इफ्तार दिया था और उसका पूरा कवरेज इस तरह के ये जो जिमी जिप कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं उससे वहां पर तब मैंने देखा था और इफ्तार का जो प्लेट था वो उससे पूरा बदल दिया था, उसमें बिस्लेरी के बोतल लोगों को दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति को इवेंट मैनेजमेंट बनाने का दौर साल 2014 से शुरू हुआ है, ये शुरू हो चुका था। अलग अलग समय पर नेता अपने संसाधनों के दम पर इसके स्केल को बदलते रहते हैं। तो हम जींद से राजनीति के इस जिंदाबाद स्वरूप को देखेंगे अगले एक घंटे में प्राइम टाइम में हमारी सहयोगी सर्वप्रिया सांगवान के साथ। वो पीछे कहीं दुबक गई हैं, आ जाएंगी सामने। सारी जिंदगी के आग में तपने का काम कर दे, लोगों की समस्याओं का समाधान कर दे, अपना पूरा वक्त बिताए। बीच में जो चौधरी धीरपाल जी का जो प्यार है, आज चौधरी धीरपाल जी तो हमारे बीच में शायद इस समय ना हो, मगर यहाँ पे क्या है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये इस जगह पे हाइड्रोलिक लिफ्ट विल कनेक्ट टू द डेड प्लेटफॉर्म बेसिकली। अच्छा, वहाँ पर आप कनेक्ट कर देंगे इसको, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओहो, तो ये आप ओम प्रकाश चौटाला को आप एयर लिफ्ट करेंगे एयर एम्बुलेंस से? No, it's an airlift, just an airlift, hydraulic. अच्छा, नहीं वो कहाँ से है, हॉस्पिटल से आ रहे हैं? नहीं, हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगे, एयर एम्बुलेंस है वो जी? अच्छा, एयर एम्बुलेंस चला के दिखाइए जरा सर, गिर तो नहीं जाएगा? ये इस तरह से बता रहे हैं कि कैसे ओम प्रकाश चौटाला जो अभी अस्वस्थ हैं और जमानत पर रिहा हैं तो उनको लाया जाएगा और ये मौका है खास, देवीलाल के 100वीं जयंती का ये मौका है तो उस पर वो आएंगे। तो ये इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ पर उनका व्हीलचेयर या जो भी स्ट्रेचर होगा वो उसमें लगा के यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला को मंच पर उनको ले जाया जाएगा और उसमें कई नेता आ रहे हैं और इन्होंने अश्विनी ने सही कहा कि बस अब नीचे ले आइए नहीं तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, आप आ जाइए अशोक जी ऊपर। नमस्कार। ये कहाँ गया अश्विनी? आई अश्विनी है, दुष्यंत चौटाला के सहयोगी है ना जी सर। आप कह रहे थे एंटीक जनता दल है, आज सबको ही आ रहा है, कौन कौन आ रहा है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसडी देवगौड़ा जी यहाँ पर होंगे, नीतीश कुमार जी यहाँ पर होंगे,
शरद यादव जी होंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने गोट क्लब पे आज से 25 सितंबर ठीक 25 साल पहले जिन्होंने बहुत बड़ा मशीन चलाया था और कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए सब कुछ। अब तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है सर, वो बड़ी पार्टी है लेकिन हरियाणा में उसका कोई आधार नहीं, हरियाणा में उसका कोई आधार नहीं। ये एक जनता दल को आप जमा कर रहे हैं कांग्रेस को हरियाणा से, कांग्रेस तब भी यही नारा था कि कांग्रेस को हटाना है तो सभी इकट्ठे हो जाओ, आज भी यही नारा है कि अगर कोई एक तरफा जा रहा है। जनता दल वाले इकट्ठे बहुत होते हैं किसी को हराने के लिए, हम इकट्ठे ही हारने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, इकट्ठे ही थे आप लोग, इकट्ठे बहुत होते हैं। ये विचारधारा इकट्ठा करने की जब भी आप बिखर जाते हैं आप इकट्ठे हो जाते हैं। चौधरी देवीलाल का नाम इकट्ठे उनका है, जननायक चौधरी, तो ये मंच बन गया है इनका। और प्रकाश सिंह बादल भी आने वाले हैं तो आपके मंच पर एयर कंडीशन का आनंद है, बाकी नेताओं के मंच पे तो हमें जाने भी नहीं दिया जाता, भव्य बनाकर वही आते हैं वही चले जाते हैं, पर इन लोगों ने यहाँ तक आने दिया है इसका मुआयना करने के लिए। ये लोकदल है, सबका दल है, सभी वैसे महंगा है लोकदल है ना, सब नहीं ये सब मिलकर करते हैं, बड़ा हो जाता है, सभी का जन है जी, सभी का। वो पैसे रुपए का हिसाब किताब हम सबसे पूछते हैं, नहीं ये मिलकर करते हैं इसलिए बड़ा हो जाता है। आपके सारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफी है, ताऊ देवीलाल की फौज है, खाते पीते की मौज है, नहीं खाते पीते ताऊ देवीलाल की मौज है। ये यहाँ पर देवीलाल की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है, वैसे आप हरियाणा के हर जिले में जाएंगे तो चौधरी देवीलाल की स्मृति में एक पार्क है और वो पार्क कई जगहों पे काफी ठीक ठाक है, काफी ठीक ठाक है। आपने तो नारा दिया आपकी बार इनेलो सरकार, ये मोदी सरकार वाला है लगता है। नहीं ये नारा बहुत हरियाणा प्रदेश के लिए, देश के लिए नहीं है, तो मोदी जी आएंगे तो वो भी कहेंगे आपकी बार भाजपा सरकार। इंडियन नेशनल लोकदल का नारा है आपकी बार चौटाला सरकार, चौटाला सरकार अब की बार चौटाला सरकार, ये प्रदेश का मामला है। आपकी पार्टी इस बार एक कानूनी संकट में भी है, आपके दो बड़े नेता पर आरोप लगा और उन्हें जेल भेजा गया, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ। हमारी पार्टी का बड़ा वोट बैंक, बहुत सॉलिड वोट बैंक है, नहीं वोट बैंक हमारे, मैंने ये नहीं पूछा कि वोट बैंक कैसा है, हमारे ये पूछा हमारे आरोप लगा वो जेल गए, हमारे नेताओं के आदेश अगर जेल से भी आते हैं हमारे लिए वो भी सर्वमान्य है, जेल कोई नैतिकता का वो मसला नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर बीजेपी के कोई नेता जेल होता तो क्या कहते, वो जेल में जो गए हैं वो किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं गए हैं, वो जेल में गए हैं कार्यकर्ताओं को या हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने के एवज में गए, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का लांछन है, एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने फंसाया, नहीं अदालत ने साबित किया, हम अदालत का सम्मान करते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि अदालत का सम्मान करें और उसको ले आप कांग्रेस में? मैं एक मिनट मुझे देंगे तो आप भी शायद एग्री कर जाएंगे, हमारी अदालतें 3 सत्र के ऊपर है, एक लोअर कोर्ट है, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनी है कि हाई कोर्ट से कोई कमी रह जाए, हाई कोर्ट से कोई कमी रह जाए तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बनी है, ठीक है। हाई कोर्ट इसलिए बनी है कि लोअर कोर्ट से कोई कमी रह जाए, हमारा 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 हाई कोर्ट में अलग नैतिकता बनाएंगे, हाई कोर्ट में हमारा केस सुना जा चुका है, फैसला रिजर्व है, वो फैसला आज भी आ सकता है जूझने से, पर इतना है कि ये देखने की बात है कि अब इसके बाद भी चौटाला इनेलो ने अपना संगठन तो जरूर बनाए रखा होगा, अभी इस रैली में इतनी भीड़ आई है और लोग अपनी अपनी गाड़ियों से भी आए हैं यहाँ पर, तो इससे पता चलता है कि राजनीति जिन नैतिक मान्यताओं से हम राजनीति को परखना चाहते हैं शायद जनता उन मान्यताओं को लेकर उतनी सख्त नहीं है, और राजनीतिक आधार जो है हमेशा उसी बुनियाद पर नहीं टिका होता है। मेरा एक सवाल है कि क्या कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि आप बीजेपी से समर्थन ले लें या दे दें? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं मिली तो क्या होगा? अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? तो वो बताइए, वो समय बताएगा, हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, वो समय बताएगा, बीजेपी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, वो समय बताएगा, बीजेपी के साथ वो समय बताएगा, हम अभी प्रवक्ता है बांगर साहब, मैं यही कह रहा हूँ, प्रवक्ता पत्रकार से भिड़ेगा तो पत्रकार भी प्रवक्ता से भिड़ जाएगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, बताइए बीजेपी से समर्थन लेंगे कि नहीं लेंगे? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी वो फैसला करेगी कि उसको किसे समर्थन देना। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो मान लीजिए 2-4 वोट से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप बन गए, हम आप बीजेपी से सपोर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? हम इंडिपेंडेंट हमें सपोर्ट कर देंगे अगर कोई कमी। सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि प्रकाश सिंह बादल जो बीजेपी के भी अच्छे मित्र हैं और उनके सहयोगी हैं,
वो आपकी रैली में आते हैं, मित्रता निभाते हैं। अगर वो कहें कि ठीक है 10 सीट कम है तो मैं बीजेपी को मना लेता हूं, बीजेपी तैयार हो जाएंगे? बीजेपी हमारे लिए छूत नहीं है, कांग्रेस को हम पसंद नहीं करते। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी से समर्थन चुनाव बाद ले सकते? बीजेपी हमारे लिए छूत नहीं है, कांग्रेस को हम पसंद नहीं करते। मैं यही पूछ रहा था जी, धन्यवाद। मैं यही पूछ रहा हूँ। और आप गैस का सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, ये स्कूटी देंगे, कैसे काम चलेगा? इतना हरियाणा पे और बोझ हो जाएगा। ये मैं बताऊँ आपको, बहुत से प्रदेश सरकारों ने चुनाव लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह जी ने टैबलेट जो दिया था, बंद कर दिया था लैपटॉप देखे। मैं कहूँ लैपटॉप जो दिया उतने में स्कूटी आती है। हाँ। अगर हम बेटों को लैपटॉप दे सकते हैं, उन्हीं बेटियों को स्कूटी। देवी लाल की एक मशहूर पंक्ति है जो काफी लंबे समय तक दीवारों पर लिखी होती थी, लोक राज लोक लाज से चलता है। तो आप देख लीजिए कि सब कुछ लोक लाज से चल रहा है कि नहीं, लाज और राज। तो ये देवीलाल का गवई आदमी थे, तो उनके अपने मुहावरे भी उसी तरीके के हुआ करते थे, लोक राज सत्ता लोक लाज से, लोक राज लोक लाज से चलता है। तो हम यहाँ पे लोक लाज के तत्वों को ढूंढेंगे। वो कौन है? वो दुष्यंत चौटाला है। ये दिग्विजय चौटाला है, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं। ये अजय जी के बेटे हैं, छोटे वाले। अच्छा। इनसे बड़े भाई हैं दुष्यंत चौटाला, जो यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। दुष्यंत चौटाला जो इनसे बड़े हैं, अजय चौटाला के ही बेटे हैं। वो भी अजय चौटाला के बेटे हैं। अच्छा। अपने एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं उचाणा से। ये ना ना, जो दुष्यंत भी जो सांसद बन चुके हैं अभी, वो चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। एमएलए का अपने दादाजी की सीट को, दादाजी जी बिल्कुल उनकी सीट है। छोटे भाई है, कौन चौटाला है? ये दिग्विजय चौटाला है। अच्छा, आपकी पार्टी में आने के लिए क्या मुझे भी रवीश कुमार चौटाला बनना पड़ेगा? बिल्कुल, कोई जरूरी आते ही हो जाओगे चौटाला, आते ही हो जाएंगे चौटाला। बिल्कुल, ये परिवारवाद का जादू। ना ना, परिवारवाद का नहीं, चौटाला एक शक्ति का नाम बोले झटके में दो सर, चौटाला एक शक्ति का नाम है, आते ही हो जाएंगे चौटाला। अब किसी को कोई बुलावा नहीं। आज के जमाने के जो लोग हैं वो शायद देवी लाल को उतना नहीं जानते होंगे। ये देवीलाल जी को नहीं जानते, 10 साल से चौटाला पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन सारे युवा हैं 18, 20, 22, 25 साल के। ये सब क्या हो रहा है, फोटो हो रहा है ये आपको, ये देखिए सेल्फी हो रहा है ये सब। हम लोग ट्विटर पे आपको ट्रेस करते हैं, जैसे मेरे आप, अच्छा आपको मैं आपको बार बार लिखता हूँ ना कि द्रोणाचार्य आप मेरे कैसे हैं। मतलब मैं यहाँ किसी नॉन चौटाला से मिलना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, माजरा जी से मिला हूँ। अच्छा, मिला ही। एक मैं जानना चाहता था कि अलायंस को लेकर आपकी पार्टी क्या है? बीजेपी, आपके प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी आपके लिए अछूत नहीं है, बीजेपी आपके लिए अछूत नहीं है। अलायंस की बात आती है, जब हम 90 सीटों पर लड़ रहे हैं तो ये जो हरियाणा का जन सैलाब है, मान लीजिए एक दो सीट नहीं आई तो। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, तो जब अमित शाह आएंगे तो अमित शाह भी कमाल कर देंगे, वो यूपी में 73 सीट ले आए। अगर कमाल होता तो जो राजस्थान में नतीजे आए, हाँ। जो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में नतीजे, तो कमाल तो उनका नारा है चले चलो मोदी के साथ। वो अगर नरेंद्र मोदी 365 दिन हरियाणा में लगाएगा, हाँ। तो स्वागत है, बनिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर प्रदेश की राजनीति के लिए तो मुख्यमंत्री का दावेदार है। माजरा साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का वक्त आया तो देवीलाल चौधरी चरण सिंह या लोहिया और नौजवान के तौर पे नीतीश लालू शरद यादव वगैरह वगैरह हुआ करते थे, पर अब दो तरह की ताकत है हरियाणा में। कांग्रेस आपके सामने बड़ी ताकत है जो 10 साल तक आपको सत्ता में नहीं आने दिया, और राष्ट्रीय राजनीति में अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से कई गुना ताकतवर पार्टी है। तो ये आपने जो सारे नेताओं को बुलाया है तो वो एक प्रतीक, आप गैर कांग्रेसवाद वाला ही प्रतीक बना रहे हैं या उसमें गैर भाजपावाद का भी प्रतीक है? जहाँ तक इधर सर, इसमें दो मुख्य है, हाँ, विचारधाराएं हैं पहले से भी हैं, हाँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, विचारधारा है, वो बहुत जमाने से कभी भारतीय जनता पार्टी भी गैर कांग्रेस दलों के साथ मिलकर करती रही है, हाँ। और हम भी गैर कांग्रेसी विचारधारा के हैं, हमने गैर कांग्रेसी विचारधारा चौधरी देवीलाल ने कई बार नेतृत्व करके देश में इकट्ठा करने का काम किया। आप क्या आज के इस माहौल में आप ये जानना चाहते हैं कि आप कांग्रेसी विचारधारा के हो या भारतीय जनता की विचारधारा के हो, हाँ।
हम दोनों में से किसी की विचारधारा के नहीं, हम एक नई विचारधारा, जो जो देश में राजनीति दो तरह की हो रही है, दो विचारधाराएं हैं, हमारी राजनीति गैर भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेसी विचारधारा को आगे ले जाने की है, क्योंकि बीजेपी भी अपना प्रसार करना चाहती है ना, वो और वो क्षेत्रीय दलों से टकरा रही है, वो भी ये चाहते हैं क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएं और हमारी राजनीति रह जाए, परंतु नहीं, ये तो वक्त की बात है, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। पहले कांग्रेस ने भी कोशिश की थी कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सोच भी यही है, परंतु ऐसा होगा नहीं, क्षेत्रीय दल इसी तरीके से चलते रहेंगे। लड़ पाओगे बीजेपी से, नहीं लड़ पाएंगे। संसाधन सर, एक संसाधन जिसे हम मानते हैं वो है मैन पावर, और वो सबसे बड़ी नेताओं के पास है, सबसे बड़ा कैडर है हमारे पास। बीजेपी का कैडर यूपी में भी कमजोर था, लेकिन वहाँ 73 सीट ले आए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यहाँ मुजफ्फरनगर नहीं है, यहाँ आप कह रहे हैं कि आपके पास मैन पावर है, बहुत है, है ना, कार्यकर्ता है। बीजेपी के पास शायद इस अनुपात में यूपी में नहीं था जी। लेकिन अमित शाह ने 73 सीट लेकर दिखा दिया ना कि वो इन सब चीजों के बाद भी जगह बना सकते हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी को यहाँ पर इसलिए दिक्कत है, कैडर की बात वहाँ हम इसलिए कर सकते हैं, उनके पास जनसंघ था, जनसंघ के अपने बड़े पुराने पुराने वहाँ पर लोग थे, यहाँ तो 4 सीटें बीजेपी क्या में, 2 पहले थी, उससे पहले 6 थी सीटें, जो लोग उन्होंने कैंडिडेट बनाए हैं वो दूसरी पार्टियों से निकल निकल के बनाए हैं, यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते आप, डिवाइड किसको करोगे आप, ये सब हरियाणवी है। ये छोटी बच्ची है ट्रैक पे गा रही है, मोदी ने चौटाला सरकार मई में भी हर हर रैली में जाते अलग अलग है। नहीं नहीं, हम चौटाला के वर्कर है, हम चौटाला को स्पेंडर नाम मिलेगा। हाँ जी, ये मेरा हैप्पी कसून, हैप्पी कसून, कसून कसून क्या है, कसून का गाँव है, मैं उच्चारण का से हूँ। अच्छा हाँ, कसूल इनका गांव है, इसलिए हैप्पी कसूल। जो चुनाव चिन्ह है आपकी बार चौटाला सरकार, मोदी जी को बहुत दुख होगा, उनका स्लोगन ले लिया यार। देखो जी, मोदी का नहीं, हमने हम तो वही करते थे, आपकी बार मोदी सरकार, नहीं आपकी बार हरियाणा में चौटाला सरकार आएगी सरकार। कितना देर लगा इसको पेंट करने? पेंट पे 2-3 घंटे लगे सर। 3 घंटे लग गए? हाँ जी। घर में कोई डांटा नहीं कि फिर छूटेगा कैसे? अपने सर, हम के लिए जान देने के लिए तैयार है, अगर हमारी जान चली जाए हमें कोई परवाह नहीं। जान देना चाहते हम चौटाला परिवार, एक बहुत देवीलाल हमारे मसीहा थे हरियाणा के। चलो लद्दाख में जान देने की बड़ी जरूरत है, वहीं चल पड़ेंगे, हम चल पड़ेंगे। जैसे हम रोहतक से आते हैं तो ऐसे लगता है जनू पेरिस में चल रहे हैं। रोहतक पेरिस है? हाँ, जब जैसे जींद में आते हैं, जब जींद में आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बारो बॉर्डर पार कर दिया, ऐसी सड़कें आती है। रोहतक में बैठे जैसे पेरिस है, 80-90% हरियाणा का बजट रोहतक और किलोई में लगा हुआ है, और रोहतक पेरिस बन गया है। हाँ जी, रोहतक पेरिस जैसा है। अब आए हैं, नमस्कार, आप लोगों की खिंचाई करने आया हूँ, पब्लिक में जाके मैं खिंचाई करने आया हूँ। हो गया, हो गया, आपकी ठुकराई हमारे फायदे में जाती है, आप ठुकराई निष्पक्ष करते हो। आजकल ये नई टेक्नोलॉजी है, भारी है ये, है ना, वेट नहीं है, और इसमें ये ड्रोन कैमरा में यहाँ कैमरा लगा हुआ है इससे, और ये उड़ता है, और ये इसको रिमोट से आप संचालित करते हैं, नहीं कैमरे के मूवमेंट को,
इस वाले रिमोट से, और यही कैमरा आपको रैली के ऊपर से एक 360 डिग्री नजारा दिखाता है, ड्रोन कैमरा बोलते हैं। कितना का है? 500। कितने का है? $180। हम युवा दिनों की धड़कन, 1,80,000 का, 500 का नहीं, इस देश के आस्पेक्ट से के दो है यहाँ पे। तो ये ड्रोन कैमरा आपको मैंने नजदीक से दिखा दिया है, थोड़ा ऑन करके दिखाइए ना। एक चिप डाल रहे हैं अभी इसमें, है ना आप? हाँ, चिप डाल रहे हैं। ओ, चिप डालते ही आपका एक लोकल इससे कनेक्शन हो गया। मतलब रिकॉर्डिंग हो जाएगा? अच्छा, रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा, फिर आप दिखाते हो? ये लाइव नहीं करता है, ये लाइव नहीं करता है। अच्छा, रस्सी उड़ाओ इसको, अभी आपको नजदीक से दिखाते हैं। मेला है, राजनीतिक रैली भी एक मेले की तरह होती है, तो ये मेले का तत्व है। एक टिटिम्मा, जो समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है वो टिक नहीं सकता है। आज देख लीजिए कि चौधरी देवीलाल जी की चौधरी जयंती मनाने के लिए उनके शताब्दी समारोह के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, और बीजेपी है जो अपने बुजुर्गों को ठंडे घर में डाल दे रही है। इस एलसीडी में आएगा, आ जाएगा इसमें। हाँ, यहाँ से हम देख सकते हैं। हाँ, उड़ाओ उड़ाओ। तो ये व्यू आ रहा है इसका, बड़ा शानदार तरीके से आ रहा है। छोड़ दो ना हवा में। ये देखिए, अभी ये पकड़े हैं, अभी मशीन स्टार्ट हो गया। ये ड्रोन कैमरा है, अभी ये गया, अभी ये आसमान में ऐसे उड़ेगा और ये इस तरह से ऊपर से नजारा लेता है, पूरा हेलीकॉप्टर की तरह शोर करता है। और आप यहाँ पर अशोक साहब देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप नीचे से देख के इसको मॉनिटर कर सकते हैं कैमरे को, है ना। काफी हवा है हेलीकॉप्टर की तरह यहाँ पर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये जिमी जीप के बाद ये ड्रोन कैमरा भारत की रैलियों में आ गया है। आया कीजिए रैलियों में, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता बनकर आइए, वोटर है तो वोटर बनकर आइए, और श्रोता है तो हर रैली में जाकर आपको देखना चाहिए कि राजनीतिक प्रबंधन क्या है, राजनीति होती क्या है, कैसे उसके संगठन के आधार है, इनको मिलता क्या है, वो क्या चीज है कि ये लोग एक पार्टी एक विचारधारा से इतना जुड़े रहते हैं। वो तो रागिनी में क्या गा रहा था? वो कोई सिमरन नाम थी ना लड़की, पूरा देश को सुनने, मतलब पूरा मेरे ओम प्रकाश बाला जी को देखने, पूरा हरियाणा है तो ये बात करती। हरियाणा के फिल्मों में भी हरियाणवियों का दबदबा रहा है क्या? हाँ, ये थोड़ा बहुत रहा है। मैं आपको बता दूं कुछ एग्जांपल जो लोगों को नहीं पता है, जैसे हाँ। एक मूवी थी, एक फिल्म आई थी 80 के दशक में, जाट, जिसमें आशुतोष गावरीकर जो आज के काफी बेहतरीन निर्देशकों में से जाने हैं, आशुतोष गावरीकर भी हीरो थे, हरियाणी फिल्म में हीरो थे। जी, इसके अलावा एक सांझी पिक्चर आई थी जिसके अंदर ओमपुरी जी ने भी काम किया, और इसके अलावा और रणदीप हुड्डा आप सब जानते हैं। कौन सी फिल्म थी जो आप बता रही थी कि आपने थिएटर में जाकर देखा? लाडो। लाडो हरियाणा की काफी पॉपुलर फिल्म, काफी पॉपुलर फिल्म है। सबसे पहले तो जो सबसे पॉपुलर जिसको सब लोग जानते हैं, रैलियों में इतनी रागिनियां जो गाई जाती हैं, मतलब एक दो लाइन रागिनियों का आप सुना सकती हैं बोल के ही, और इसका मतलब बता सकते हैं। जो रैलियों में गाई जाती है वो रैलियों में तो खैर पार्टी के हिसाब से गाई जाती है, तो वो मुझे कोई याद नहीं है। उसके अलावा मैं बहुत सारी रागिनियां जो जानती हूँ, जो लक्ष्मीजन की, जैसे कोई एक हरियाणवी टोन में जाते दर्शकों को पता चला कि आप यहाँ की है, अभी आप दिल्ली वाली नहीं हुई है। टेस्ट पानी आली पानी प्या दे, जुठा के डोल खड़ी होगी।